सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया, आप ट्वीट मुलाहजा भी कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का ये ट्वीट जो कि आप लहसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की बर्बरियत को 153 रोज हो गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान का अहम ट्विटर पैगाम सामने आया, कहते हैं कि सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। ट्वीट आप लहसा कर सकते हैं जो कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से किया गया है। सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम दिया है जो कि आप मुलाहजा भी कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान अपने ट्वीट में कहते हैं कि सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने अहम ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। सफाक मोदी सरकार के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, भारतीय पुलिस बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। आपको इमरान खान का ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट पर किया है।